फ्रेंड्स तो आप लोग कैसे हो उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे तो दोस्तों गर्मियों का मौसम है और बच्चों से लेके बड़ों तक को हर प्रकार की आइसक्रीम खाना पसंद आती है दोस्तों जो कि मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलती है जिसे सब कोई एफर्ड नहीं कर सकते तो बहुत ही सुविधा सरल घर के बेसिक सामानों से ही आज मैं आपको वेनिला फ्लेवर कस्टर्ड आइसक्रीम शेयर कर रही हूँ दोस्तों जिसमें ना कोई कंडेंसल मिल्क ना कोई व्प क्रीम ना इलेक्ट्रिक बीटर ना कोई अमूल फ्रेश क्रीम लगेगा दोस्तों तो फिर कैसे ये क्रीमी एकदम मार्केट से भी बेहतरीन मैगी आइसक्रीम हम घर में बनाएंगे और साथ ही साथ जिसमें हम ना फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई एसेंस वगैरह का बस घर में कुछ कोने में पड़े हुए सामानों से ही हम ये आइसक्रीम बनाएंगे और जो टेक्सचर आएगा दोस्तों एकदम फ्लपी मुलायम एकदम क्रीमी क्रीमी टेक्सचर होगा जिसके लिए आपको बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं और फिर भी हम मार्केट से महंगी आइसक्रीम घर में बना रहे हैं कई बार आपने ये रेसिपी खाई होगी लेकिन एक बार मेरे ट्रिक से इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों बहुत ही सुपर सुपर इजी है और बहुत ही आसान है जिसे बच्चा बच्चा बना सकता है दोस्तों तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम ये रेसिपी देख लेते हैं कैसे बनता है दोस्तों आज हम एकदम पानी जैसे पतले दूध से आइसक्रीम बनाएंगे बिना किसी कॉस्टली सामान के किसी किसी के घर में रेगुलर जब हम दूध लेते हैं तो दूध वाले पानी मिला देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो दूध है काफ़ी पतली है लेकिन इसी से हम बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 500 सौ लगभग आधा लीटर दूध मैंने ले लिया है तो अब हम गैस जला दिए हैं इसमें एक बॉयलनेस आने देते हैं दोस्तों आगे हम एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे वेनीला फ्लेवर का कस्टर्ड आइसक्रीम हम बना रहे हैं जिसके लिए हम वेनीला फ्लेवर का ही कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे हम लगभग चार चम्मच करीब इस बॉल में निकाल लेंगे कस्टर्ड पाउडर ये दोस्तों इसमें कस्टर्ड पाउडर निकाल लिया है साथ ही साथ कलर के लिए हम एक ऐसी नेचुरल चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो सबके घरों में इस्तेमाल होता है रेगुलर इस्तेमाल क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इसमें कोई भी चीज़ हम ऐड नहीं कर रहे हैं कॉस्टली सामान सिर्फ घर के सामान ही इस्तेमाल कर रहे हैं फूड कलर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो यहाँ पे पिंच भर कलर के लिए मैं यहाँ पे देख सकते हो चम्मच मेरी पिंच भर मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ आइसक्रीम में हल्दी से आप बोलोगे क्या रिलेटेड है लेकिन कलर के लिए हल्दी से कलर बहुत ही अच्छा आएगा और एकदम नेचुरल कलर है दोस्तों कई चीज़ों में जब फूड कलर अवेलेबल नहीं होता है येल्लो के लिए तो हम ये जो हल्दी पाउडर है हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं कलर के लिए और हंड्रेड परसेंट रिजल्ट आता है दोस्तों किसी भी चीज़ में अगर आप इस्तेमाल करो तो हल्दी का अगर आप लिमिट मात्रा में इस्तेमाल करोगे तो हल्दी का फ्लेवर नहीं आएगा दोस्तों यकीन मानिए क्योंकि मैंने छोटी चम्मच से पिंच भर हल्दी लिया है तो एकदम आइसक्रीम में आपको हल्दी का फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा ट्रस्ट मी दोस्तों बिना किसी फूड कलर के हम एकदम येल्लो येल्लो जैसी हमारी वनीला आइसक्रीम होती है ना कस्टर्ड की बस कलर के लिए मैंने पिंच भर हल्दी का इस्तेमाल किया है अब हम इसमें नॉर्मल दूध डाल देंगे दोस्तों चार से पाँच चम्मच और इसको अच्छे से घोल लेंगे लम्स गुटली वगैरह सब नहीं रहना चाहिए बढ़िया से हम इसको मिला लेते हैं और देखिए हल्दी देते ही इसका कलर जो है बहुत बढ़िया आया है दोस्तों देख सकते हो नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ परफेक्ट कलर आएगा और जब हमारी पूरी आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगी बिना किसी फूड कलर के ये ज़बरदस्त कलर लाएगा दोस्तों एकदम नेचुरल तरीके से दोस्तों फूड कलर में तो कहीं साइड इफ़ेक्ट होते हैं लेकिन ये नेचुरल चीज़ हमने इस्तेमाल किया है जिसका कहीं भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा ये लीजिए दोस्तों दूध में भी अच्छा खासा बॉयलनेस आ गया है अब हम इसमें मिठास ऐड करेंगे दोस्तों तो चीनी यहाँ पे बड़े चम्मच से मैंने छः से सात चम्मच लिया है मिठास अपने टेस्ट अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हो तो यहाँ पे मैं मोटी वाली चीनी जो है इसमें डाल देती हूँ दोस्तों और इसको थोड़ा सा इसमें मिला लेते हैं क्योंकि दूध हमारी गर्म हो गई है इजिली ये मेल्ट हो जाएगी लीजिए दोस्तों एक सेकेंड में ही दूध और चीनी जो है अच्छी तरह से मिल गई है तो दोस्तों गैस का फ्लेम हमने कम कर दिया है अब यहाँ पे जो कस्टर्ड का घोल था उसको एक बार हम जरूर मिला लेंगे क्योंकि अंदर कस्टर्ड बैठ जाता है एक हाथ से आप अच्छी तरह से दूध को मिलाते जाइएगा और जो कस्टर्ड का घोल है उसको देते जाइएगा और गैस का फ्लेम कम रखिएगा नहीं तो अनदरवाइज इसमें लम्स गुठली वगैरह सब जल्दी ही पड़ जाते हैं जल्दी ही दूध जो है हमारी ठीक हो जाती है तो ये देखिए जिस तरह से धीरे धीरे मैंने इसमें कस्टर्ड का घोल डाला वैसे ही आप डालिएगा और कस्टर्ड का घोल डालते ही आप देख सकते हो दोस्तों कि ये ठीक होने लगा है तो ये देखिए दोस्तों मैं कंटिन्यूसली इसको चला रहे हो इसमें लम्स गुठली वगैरह सब नहीं आना चाहिए और हल्दी के वजह से इसका कलर कितना बढ़िया आया है पिंच हल्दी से ही दोस्तों तो कलर जो होगी हमारे आइसक्रीम की बहुत ही बढ़िया आएगा दोस्तों तो ये लीजिए दोस्तों छः से सात मिनट हो गए हैं ये अच्छी तरह से पक गए हैं और काफ़ी ठीक हो गए हैं ठंडा होने के बाद ये देख सकते हैं दोस्तों ठंडा होने के बाद और ठीक हो जाएंगे तो दोस्तों गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं तो इस ट्रिक से जब मैं ये आइसक्रीम बनाती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरी दादी को पसंद आता है दोस्तों क्योंकि मार्केट वाली आइसक्रीम वो खाती हैं और जब ये आइसक्रीम खाती है तो उनको यही मेरे हाथ की यही आइसक्रीम उनको बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं की हूँ जो हमारे बूढ़े बुजुर्गों के लिए हार्मफुल होता है तो ऐसा कोई चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इसमें इसीलिए मेरी दादी ये बहुत प्यार से और चाव से खाती है घर की बनी आइसक्रीम है और घर के सामानों से ही बनी है और कोई खर्चा भी नहीं है एकदम जीरो परसेंट खर्चा है इसमें क्योंकि रेगुलर जो हमारे घर में सामान आता है बस उसी सामान से हम ये आइसक्रीम बना रहे हैं तो दोस्तों ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है और काफ़ी ठीक हो गया है इसीलिए उस स्टेज पे हमने बंद कर दिया था गैस क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी ठीक हो गया है अब हम इसको अलग बॉल में इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं सारे ये जो हमारे बैटर हैं इसमें हम डाल लेते हैं दोस्तों सारे बैटर को हमने कस्टर्ड बैटर को एक बॉल में ले लिया है ट्रांसफर कर लिया है अब हम इसको एक घंटा के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ये जो हमारा बैटर है काफी ठंडा हो जाए दोस्तों एक घंटे के बाद हमने इसको कस्टर्ड के बैटर को निकाल लिया है काफी चिल्ड हो गया है अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और सारे जो बैटर है इसमें हम डाल देंगे दोस्तों मैंने पूरा कोशिश किया है दोस्तों कि बिना किसी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल किए हुए हमारी जो आइसक्रीम बने एकदम मार्केट से बेहतरीन बने और वो घर की ही चीज़ है जो रेगुलर सब इस्तेमाल करते हैं जो हमारे आइसक्रीम को एकदम क्रीमी और एकदम फ्लपी बनाएगी तो देख लेते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों घर की फ्लैश मलाई है जो दूध बॉयल हो जाती है और उसके बाद ये देखिए जिसे छाली भी बोला जाता है मक्खन भी बोला जाता है बॉयल होने के बाद इसको मैंने ऊपर जो मोटी सी परत बैठी हुई थी छाली की मलाई की वो मैंने निकाल लिया था और इसको फ्रीज में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था दोस्तों इससे जो हमारे आइसक्रीम में आएगा दोस्तों एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा क्योंकि जो दूध था हमने एकदम पतला इस्तेमाल किया था दोस्तों तो ये देखिए ये देते ही जो हमारी आइसक्रीम है एकदम क्रीमी हो जाएगी क्योंकि इसका जो, जो जोड़ तोड़ कोई नहीं है दोस्तों ये अपने आप में ही क्रीमी है दोस्तों आप देख सकते हो कितनी मोटी मलाई है तो बस इसे ही हम इसमें डालते हैं तो ये लगभग 200 ग्राम के आसपास होगा दोस्तों तो इसको हम सारे के सारे इसमें डाल देते हैं हम इसमें ऐसा क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पानी के कंटेंट को कम कर देगा तो वो चीज़ यहाँ पे मिल्क पाउडर है लगभग आप देख सकते हो पांच से छह चम्मच मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है जो भी आइसक्रीम में पानी का कंटेंट होगा ये जो हमारी मिल्क पाउडर है उसको सोख लेगी दोस्तों जो भी मॉइस्चर वगैरह सब होगी क्योंकि दूध तो हमारी पतली थी जो भी मॉइस्चर वगैरह सब होगा ये मिल्क पाउडर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देगा तो यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और जो कस्टर्ड और जो हमारी मलाई थी काफ़ी ठंडी थी अब हम इसको तो ये लीजिए दोस्तों एक से डेढ़ मिनट हमने इसको चर्न कर लिया और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बबल्स बना है यही साइन है कि आपकी जो आइसक्रीम बनेगी दोस्तों वो बहुत ही क्रीमी एकदम सुपर क्रीमी और फ्लपी बनेगी तो देख सकते हैं दोस्तों कितना एयर बबल्स बना है बस अब हम इसको अगेन यहाँ पे आप कोई भी कांच का या फिर किसी में भी आप जिसकी सुविधा हो उसमें आप इसको जमा सकते हैं तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट का डब्बा लिया है इसको अच्छी तरह से धो के सुखा के इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों और सारे बैटर जो है इसमें हम डाल देते हैं अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसको फ्रीजर में रखेंगे लेकिन अभी मैं इसको सेमी सेट कर रही हूँ तो ये देखिए दोस्तों दो घंटा के बाद इसको हमने निकाल लिया है और ये सेमी सेट हो गया है आपकी जो अब आइसक्रीम बनेगी ना ये काम करने के बाद आप पूछिए मत बार बार इसी ट्रिक से इस आइसक्रीम को बनाना चाहोगे ये इतना सॉफ्ट फ्लपी और क्रीमी बनेगा तो दोबारा से हमने मिक्सी का जार ले लिया है और सारे जो हमारे सेमी सेट आइसक्रीम है इसको हम इसमें डाल देते हैं ये दो तो ये देखिए दोस्तों सारा आइसक्रीम जो सेमी सेट हुआ था इसमें डाल दिया है अब हम इसको फिर से एक से डेढ़ मिनट के लिए चर्न करेंगे एकदम हाई पे कितने बड़े बड़े एयर बबल्स पॉकेट्स बने हैं दोस्तों तो यही साइन होता है एकदम क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम बनने का चाहो तो फिर से इसी में आइसक्रीम जमा सकते हो लेकिन इसको मैं हटा दे रही पे वापस मैंने दूसरा सा आइसक्रीम वाला ही एक डब्बा लिया है दोस्तों आप देख सकते हो आइसक्रीम वाला डब्बा लिया है यहाँ पे मैं सारे आइसक्रीम के, के जो बैटर हैं वो इसमें पोर कर दे रही हूँ सारे के सारे इसमें डाल दे रही हूँ दोस्तों ये देखिए दोस्तों पोलोथीन को दूध के पोलोथिन को अच्छे से लगा दिया है किनारों पे ताकि आइस क्रिस्टल नहीं जमे और इस दूध के पोलोथिन को अच्छे से मैंने धो के धूप में सुखा लिया था अब ढक्कन लगा देते हैं आप इसको मैं ओवर के लिए रख दे रही हूँ तो ये लीजिए दोस्तों इसको फ्रीजर से हमने निकाल लिया है अब अब इसका ढक्कन हम खोल लेते हैं ये देखिए सुपर बढ़िया इस तरह से आप अगर ये आइसक्रीम बनाओगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप मार्केट से आइसक्रीम लाना तो भूल ही जाओगे तो ये देखिए दोस्तों ये जो हमारे आइसक्रीम्स के बबल्स हैं बड़े बड़े इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारी आइसक्रीम है काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी क्रीमी बनी है दोस्तों तो कम इनग्रीडियंट के साथ एकदम बेहतरीन आइसक्रीम बन पतले दूध से हमारी बेहतरीन आइसक्रीम बन के तैयार हो गई कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि हमने पतले दूध से मार्केट से महंगी आइसक्रीम घर पे बनाया है बिना किसी कॉस्टली सामान के इसमें ना तो कंडेंस मिल्क हमने डाला है ना हमने इसमें विप्ड क्रीम डाला है ना इलेक्ट्रिक वीटर का यूज़ हुआ है ना अमूल फ्रेश क्रीम बस मात्र पतले दूध से और चुटकी भर हल्दी से हमने ये बेहतरीन आइसक्रीम तैयार किया है तो बस करना कुछ नहीं है दोस्तों इसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं थोड़ा सा ये लूज हो जाएगा तब हम इसको टैप करके निकाल लेंगे या फिर आप एक अलग बर्तन में पानी लेके इसको थोड़ा देर छोड़ दीजिए तो ये ईजिली मोल्ड हो जाएगा तो ये लीजिए दोस्तों ये थोड़ा देर हो गया है अब हम इसको उल्टा लेते हैं और हल्की हाथों से टैप कर लेते हैं ये लीजिए दोस्तों आपका क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट आइसक्रीम बनके रेडी हो गया सुपर बढ़िया और एकदम डिलेसियस आइसक्रीम घर पे ही बन के रेडी हो गई आप इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों कितना क्रीमी है कितना सॉफ्ट है ये देखिए दोस्तों कितना मलाईदार है दोस्तों चारों तरफ मैं दिखा रही हूँ आपको मेरी गारंटी है अगर आप इस ट्रिक से इस आइसक्रीम को बनाओगे ना तो बच्चे से ले बड़ों तक को बहुत भाएगी मेरी दादी को तो ये आइसक्रीम खूब बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें बिना किसी केमिकल के हमने मार्केट से महंगी आइसक्रीम घर पे रेडी की है और जो हमने हल्दी डाला था दोस्तों उससे देखिए इसका कलर कितना परफेक्ट आया है देख सकते हैं दोस्तों कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि हमने हल्दी का इस्तेमाल करके इसका कलर जो है एकदम बढ़िया आया है दोस्तों एकदम वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम हमने घर पर रेडी कर लिया है तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया है तो दूसरी बार जब हमने इसको ग्राइंड किया था दोस्तों तो आप उसमें क्रंच के लिए या फ्लेवर के लिए टूटी फूटी भी ऐड कर सकते थे या फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते थे आप इसको चाहो तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो दोस्तों लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिलसियस लुक देने के लिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के पिस्ता के कतरन इसमें डाल रही हूँ जिसे ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा और जब आप इसको खाओगे ना तब क्रंच मुंह में जाएगा दोस्तों तो ये यकीन है कि आपको बहुत सिंपल सीटी के साथ कम इंग्रेडिएंट वाली वेनिला कस्टर्ड आइसक्रीम अच्छी लगी होगी दोस्तों तो दोस्तों अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि इसकी जो ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सुपर एकदम क्रीमी तो दोस्तों एक बार इस ट्रिक से जरूर ट्राई कीजिएगा बिना किसी केमिकल के बहुत ही पसंद आने वाला है आपको ये आइसक्रीम दोस्तों मुझे ये देखिए दोस्तों स्मूथी क्रीमी सुपर लाजवाब आपकी वेनिला कस्टर्ड आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है सिंपल तरीके के साथ बाय बाय टेक केयर